गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रोइंग सोल किड्स गुरुकुल। गुड मॉर्निंग मैम, टुडे वी वांट टू लर्न ड्राइंग। ओह, यू डोंट वांट टू स्टडी, यू वांट टू लर्न ड्राइंग टुडे। यस मैम। ओके माय डियर चिल्ड्रन, सो लेट्स गो टू आवर ड्राइंग रूम एंड मीट टू योर ड्राइंग टीचर। कैसे हो आप सभी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहती हूँ। आपने बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया है। सो लेट्स स्टार्टेड स्टडी। माय नेम इज प्रिया ठाकुर, आई विल टीच यू ड्राइंग। यू नो ड्राइंग इज वेरी एंजॉयफुल सब्जेक्ट एंड सम ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ड्राइंग। आप सभी को पता है कि ड्राइंग कितना मजेदार सब्जेक्ट होता है और सबको ड्राइंग करना कितना अच्छा लगता है। तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि आज मैम आपको क्या सिखाएंगी? कोई बता सकता है क्या? आज मैम आपको काइट बनाना सिखाएंगे। सो ऑल द स्टूडेंट टेक आउट ऑफ योर नोटबुक एंड कीप पेंसिल इन योर हैंड। ओके, आई विल टीच यू स्टेप बाय स्टेप एंड यू शुड फॉलो दीज स्टेप्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब मुझे ए बनाकर दिखाइए। क्या आप सबको ये अच्छे से आता है? तो आप मुझे ए बनाकर दिखाइए। आप सभी ने ये बहुत अच्छे से बनाया है। वेरी गुड बच्चों। अब आपको क्या, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप ए से काइट कैसे बना सकते हैं? ए फॉर तो एप्पल होता है, आप काइट कैसे बनाएंगे ए से? ए से तो एप्पल ही नहीं बनता है। इमेजिन कर सकते हो आप? नहीं ना? तो आज मैं आप एक मैजिक ट्रिक से आपको ए से काइट बनाना सिखाऊंगी। ओके, तो आपको फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले ए बनाना है और सेकेंड स्टेप में आपको पहले ए बनाइए और इसके बॉटम साइड में नीचे की साइड में आप उल्टा ए बनाइए। अब आप देखिए इसकी जो शेप है वो काइट जैसी है ना? बट अभी ये अनकम्प्लीट है। आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपने ए बनाया ओके, आपको अब क्या करना है, आपको जो इसका जो मिड है इसमें आपको स्लीपिंग लाइन ऐड करनी है। ओके, और आपको अपने हैंड को मूव करते हुए नीचे कर्व लाइन करनी है। अब हमने क्या करा, ए को ए की जो ए से क्या किया है, हमने काइट बनाई है। बट अभी हमें बहुत नॉर्मल काइट लग रही है। हमें क्या है, हमारी काइट बहुत प्यारी सी बनानी है, हमें बहुत अच्छी सी काइट बनानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमें फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमें सेम ऐसे ही काइट बनानी है। ठीक है, अब आपको अपनी प्यारी सी काइट बनानी है। तो आप क्या करोगे, ये थ्री स्लीपिंग लाइन है, जो मिड वाली स्लीपिंग लाइन है आप इसमें क्या बनाओगे, आईज बनाओगे। ओके, आपने सर्कल से आईज बनाए और ऊपर कर्व लाइन कर दीजिए। ओके, और आपको मिड में छोटा सा सर्कल बनाना है और नीचे प्यारी सी स्माइल। ठीक है, अब आपकी ये काइट तैयार हो गई। बट क्या है, हमें अपनी काइट को थोड़ा और डेकोरेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने यही बनाया, जो इसका टॉप साइड है आप क्या करोगे, वहां छोटे छोटे सर्कल बनाओगे और कर्व लाइंस बनाओगे। ओके, वेरी गुड बच्चों। हमारी एक बहुत ही प्यारी काइट तैयार हो गई। तो कितने बच्चों ने बनाया, जरा शो दिखाइए मुझे। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने बनाया, बहुत अच्छा ट्राई किया है। अब आज के लिए इतना ही। आपको अच्छे से काइट बनानी है। आपका होमवर्क ये है कि आपको घर पर टू टाइम्स काइट बनाकर देखोगे, अपने पेरेंट्स को दिखाओगे और अच्छे से, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको नेक्स्ट टाइम क्लियर कर दूंगी। ओके, अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए। Well done, my dear student. So you learn to make kite today. Yes, ma'am. And we will practice now. Okay, my dear students. So now it's your homework that you have to practice to make a kite and decorate it beautifully. Okay, my dear students. Bye-bye. Take care. Stay at home. Stay safe. God bless you. Good afternoon, ma'am. Bye.